हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हेडिंग लिखना आप VBT। ठीक है, हेडिंग क्या लिखना? VBT। फुल फॉर्म क्या है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जब भी अगर VBT होगा उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग में पूछा जाएगा कि ओवरलैपिंग किसका होगा, तो कहना इलेक्ट्रॉन का। ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे देखो अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ ओवरलैपिंग होगा कुछ इस तरह का ओवरलैप्ड होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। ओवरलैप्ड रीजन या बोल दीजिए इसको ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, अब देखो जब भी ओवरलैपिंग होता है जो भी ऑर्बिटल है उस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो जब ये ओवरलैप्ड करेगा, ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे। जब ये ओवरलैप्ड करेगा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे। अगर ऑर्बिटल में पहले से ही ऑर्बिटल जो है वो पेयर्ड है, क्या है? पेयर्ड है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल पहले से ही खाली है तो इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होता। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग तभी होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। और पेयरिंग के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर पेयर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ या बॉन्ड की मजबूती कहा जाए तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ओवरलैप्ड रीजन होगा या जितना ओवरलैप्ड एरिया होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। दूसरा लिखिएगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग आप सुने होंगे कितने प्रकार का होता है भाई? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। अब पहला लिखो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या इसी बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड या क्या बोलते हैं भाई इसको? एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड या फिर क्या बोला जाता है भाई? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, लिखिएगा। देखो अगर एस ऑर्बिटल है उसमें एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो दूसरा जो ऑर्बिटल लिया जाएगा उसमें भी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। जब हेड आट हेड ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे देखो हेड का मतलब होता है ये जो एक्स एक्सिस है ये भी एक्स एक्सिस है। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम दिया जाता है पहले का एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी एस है और यह भी एस है, तो इसका कोई नाम पूछे तो बोलते हैं इसको एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा होता है हेड ऑन हेड, दूसरा होता है ये एक्स ये वाई और ये जेड प्लस। देखो ये अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये भी एक्स एक्सिस ही होना चाहिए तभी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा। और ये कुछ ऐसे दिखाया जाएगा कुछ इस तरह से, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो यहाँ पे हैं वो अपोजिट स्पिन में रहेंगे। ठीक
ठीक है। तो यहाँ का आ जाएगा सर ये यस है और ये पी है, इसका नाम दिया जाएगा एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो तीसरा अगर ये मान लो पी एक्स एक्सिस है, तो दूसरा भी अगर हेड ऑन हेड तो वो भी पी एक्स ही होना चाहिए। तो अगर पी एक्स और पी एक्स ओवरलैपिंग है तो इसी को बोलते हैं कि सर यहाँ भी पी पी ओवरलैपिंग बोलते हैं, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। थोड़ा फटाफट बनाओ, तो थोड़ा जल्दी बनाओ भाई। एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। देखो याद रखना कि जब भी अगर आपसे कहा जाए हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो ये ऐसे होगा, इस तरह से हेड के हेड अलॉन्ग हो इस तरह से। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो ना ऐसे हेड ऑन हेड दिख रहा है भैया वो, तो जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड ये कहता है कि अगर तुमने ये एक्सिस एक्स लिया है तो ये उसके सामने भी एक्स एक्सिस ही रहना चाहिए, तभी इसका हेड और इसका हेड जाके ओवरलैपिंग करेगा। अगर इसका हेड कहीं और हो रहा है तभी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो पहला होता है आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, दूसरा लिखो इसी में। तो जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा लिखना साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। दूसरा लिखो साइडवेज, साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखो जब भी आप लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले इसमें टर्म आएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मानना पड़ेगा इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज, कुछ भी मान ले सकते हो आप, ठीक है। हम लोग क्या मान लिया है एक्स, इसका मतलब ये होता है कि पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्स के अलॉन्ग बनेगा। तो साइड में जब भी ओवरलैपिंग होगा, देखो अब ये मान लो पहला आपने एक्स एक्सिस मान लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको अगर आपने एक्स, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप इसका नाम चाहे एक्स दे दो चाहे वाई दे दो या जेड दे दो, तो इस पर जो भी ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन हेड होता है। जैसे देखो अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगा को हेड ऑन हेड बोला जाता है, ठीक, क्योंकि हेड ऑन हेड हो गया। अब इसी एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है ना, ये बोलो अगर इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, कैसे है परपेंडिकुलर हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड का, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर मान लो इंटरन्यूक्लियस एक्स होगा ये पी वाई हो या पी जेड, पी जेड हो, समझ पा रहे हो। तो कहते हैं कि अगर मान लो इस तरह से अगर दो ऑर्बिटल है तो इसमें भी अगर ओवरलैपिंग होगा तो कहा जाएगा अगर ये पी जेड है ये भी क्या है पी जेड, क्योंकि हमारा जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या माना है उसको एक्स माना है ना, तो उसके परपेंडिकुलर हो गया। जब परपेंडिकुलर हो गया ये भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। इसमें याद ये रखना होता है कि दो साइड से ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन पाई बॉन्ड कितना होगा एक, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही होता है, ऑर्बिटल कितना होता है एक ही होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको और अच्छे से बताएं, ठीक है। तो देखो पाई बॉन्ड, अब ये नोट कर लिया ना आपने क्या, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है हमने क्या माना है एक्स एक्सिस, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है आपने किसको माना है एक्स को। पहला देखो अगर आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया है तो अगर ये पी वाई, तो या तो अगर ये पी वाई होंगे, ठीक है, या पी जेड भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। तो जब भी यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा ये पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, जिसका नाम दे देंगे पी पाई, ठीक है। पी पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी पी ऑर्बिटल है ये भी पी ऑर्बिटल है, इसलिए इसका नाम देंगे पी पाई। अगर मान लो ये डी ऑर्बिटल होता, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल अगर है मान लो ये एक्स और ये वाई, और यहाँ देखो ये पी वाई है, ठीक है, तो यहाँ जब ओवरलैपिंग होगा देखो
कैसे दिखाएंगे यहाँ के ओवरलैपिंग को? ऐसे दिखा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे, क्योंकि देखो ये डी है ना, ये डी है, डी एक्स वाई, और ये पी वाई है, इसका नाम हो जाएगा डी पाई पी पाई। इसका नाम क्या हो जाएगा? डी पाई पी पाई, ठीक है, डी पाई पी पाई। अब मान लो अगर ये एक्स वाई और ये भी वही है, फिर एक्स वाई, तो अगर यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो देखो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाना पड़ेगा फिर। तो इसको कहा जाएगा डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। क्यों? क्योंकि अगर ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसका नाम दिया जाएगा डी पाई डी पाई। जिसमें याद रखना कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है। दो लोब का मतलब देखो, जैसे दो लोब है ना, ये दो लोब, ये देखो ये दो लोब है ना, जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है तभी जाके पाई बॉन्ड बनता है। देखो ये दो लोब है ना, ये दो लोब का जब ओवरलैपिंग होगा एक साथ, तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो ये दो लोब है, ये भी दो लोब है, जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या लिखना चाहे तो लिख लेना कि अगर डी की बात करें, किसका? डी का। एक नोट लिख लेना, When two lobe involve in overlapping, चाहे bonding जो भी कहना चाहते हैं, overlapping, then d pi bond is formed, then d pi bond is formed, ठीक है, note करो भाई, थोड़ा फटाफट लिखो इसको। तो अगर पी वाई तो पाई बॉन्ड बन जाएगा पी पाई पी पाई, अगर एक डी एक पी है तो डी पाई पी पाई, अगर दोनों डी डी है तो डी पाई बोला जाएगा, ठीक है। चलो देखो भैया, हम लोगों ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स माना था ना, क्या माना भाई? एक्स, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या माना है भाई? एक्स, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि अगर ये एस है, ठीक, ये वाई और ये जेड, ठीक, यहां जो ऑर्बिटल है वो दूसरा एक्सिस है, अगर ये पी वाई है तो पूछ रहा है क्या ओवरलैपिंग होगा क्या? अगर ट्राई करोगे ओवरलैपिंग, देखो इस तरह से कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिसको कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग, यानी यहां ओवरलैपिंग नहीं होता। लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो जो एक्स वाला जब एक्स यहां मिलने के लिए आएगा तो ये जो एरिया होता है इसको नोड बोला जाता है, इस एरिया को नोड बोला जाता है। नोड का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अगर आपने जबरदस्ती ला भी दिया, इसको ला के चिपका दिया यहाँ से, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसे सोचो कि आप जो है किसी मेहमान के घर जा रहे हो, लेकिन वहाँ कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जब कोई पूछेगा नहीं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ। तो पूछा जाएगा कि वहां कोई मिला था, तो आप कहोगे नहीं। तो कोई पूछेगा कि जब ये गया था तो ओवरलैपिंग हुआ था, कहेंगे नहीं, ओवरलैपिंग नहीं हुआ था, उसी को कहते जीरो ओवरलैपिंग। कोई कहेगा सर यहां बताओ क्या हो रहा है, कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग है। क्यों जीरो है भैया? अरे यहां कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए। ये यस तो आ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पी जहां से मिल रहे हो, जिस एक्सिस से जो यहां जाके मिल रहे हो यहां पे, तब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं गया था घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन यहां है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, मान लो पी एक्स एक्सिस है और ये पी वाई एक्सिस है, तो क्या यहां पर ओवरलैपिंग होगा? बोलो भाई,
बताओ यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। फिर देखो वही बात कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और जो पी होता है देखो कहा जाता है कि ये स्फेरिकल होता है, एस वाला स्फेरिकल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। जब पी वाला डंबल होता है, ये जो पी है ना ये डंबल होता है, डंबल का मतलब होता है ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी लेकिन डायरेक्शन मिलेगी एक्सिस पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी पी ऑर्बिटल एक्सिस पे, ठीक है। तो कहा जाएगा अगर सही समय से आप आओगे तो चाय पानी मिलेगा, समय से नहीं आओगे तो चाय पानी नहीं मिलता। अब देखो ये जो ऑर्बिटल जब इधर इससे मिलने आएगा तो देखो मिलेगा कैसे, पहले वो देखो कुछ इस तरह से मुलाकात होगी। तो ये मिलने यहाँ आ गया है लेकिन यहाँ पे जो ये जो पी है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, यहाँ पे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नोड एरिया है ना, अरे यहाँ कोई है ही नहीं। जब यहाँ कोई है ही नहीं यहाँ यहाँ चिल्लाएगा बट यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। कहा जाएगा लोग पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, तो कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर कहेगा अगर सर बताओ अगर हमने ये पी एक्स ले लिया और ये पी अगर ये वाई था तो जेड को ले लो, चलो जेड को भी ले गया, फिर वही बात कही जाएगी यहां भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि एक्सिस अपोजिट है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, तीनों का आंसर, ठीक है, डायग्राम बना लो फिर मैं इन तीनों का आंसर लिख रहा हूं, देखो क्या होगा। तो ये तो समझ गए ना कि ओवरलैपिंग तीनों में नहीं होगा। मान लो अगर तुम यस लिए हो, अगर यहां पी वाई की जगह पी जेड ले लेते तभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। लिखना, नोट लिखो, नो ओवरलैपिंग पॉसिबल, नो ओवरलैपिंग पॉसिबल बिकॉज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओरिएंटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है तुम किसी से मिलने जा रहे हो और कोई तुमसे, तुम इधर से जब आ रहे हो कोई मुंह भुला के इधर बैठ जाए तुमसे मुंह फुला के, जब कोई मुंह फुला के बैठ गया तो तुमसे नहीं ना मिला वो, तो भाई इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो लिखा जाएगा ओवरलैपिंग कब होगा भैया, ओवरलैपिंग कब होगा, लिखेंगे ओवरलैपिंग इज पॉसिबल व्हेन इंटर न्यूक्लियर एक्स या व्हेन इंटर न्यूक्लियर चाहे से कह दिए पॉसिबल व्हेन सेम डायरेक्शंस या पैरेलल, सेम हो या क्या हो पैरेलल डायरेक्शंस हो। सेम का मतलब या तो ऐसे हेड ऑन हेड इस तरह से हो या पैरेलल मतलब ऐसे हो, तभी ओवरलैपिंग होगा। अगर कोई और कंडीशंस है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। बड़ा फटाफट नोट करो भाई कि कब ओवरलैपिंग होगा और कब ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लिख लेना ओवरलैपिंग इज पॉसिबल व्हेन, यहां से लिख लो अच्छे से, व्हेन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज सेम या पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। सेम का मतलब कि दोनों एक्सिस या तो सेम हो इस तरह से या इस तरह से होना चाहिए एक्सिस के, अगर ऐसे पैरेलल है तब ओवरलैपिंग होगा, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। एक और लिखना इसी में,
एक और ओवरलैपिंग हमको यहाँ थोड़ा सीखना है कि मान लो अगर कोई डी ऑर्बिटल है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और इससे मिलने के लिए यस आ रहा है, इसको मिलाना है एस को, एक्स, ये वाई और ये जेड। तो इसको देखो समझना कैसे है कि ओवरलैपिंग पहले कैसे होगा वो समझ लो। सीधे यहाँ गोला बना दो, बात वही हो जाती है, ठीक है, एस वाले में सीधे से गोला बना के काट पीट कर दो। देखो समझना कैसे है कि मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो जो भी जेड एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तुम्हारे तरफ होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो जब यस जाएगा मिलने तो कहीं यहीं पे मिलेगा, सेंटर में यहीं कहीं मिलेगा ना। ये समझना कैसे कि मान लो ये एस एक्सिस, मान लो ये जेड यहां से परपेंडिकुलर है, ये जेड ऐसे परपेंडिकुलर है, ये मिलने जाकर ऐसे ही मिलेगा ना, देखो ऐसे ही मिलेगा ना जेड के पास ऐसे ही। तो जब यहां पे जाके इसे मिलेगा ये यस वाला, तो यहां मिलेगा तो मान के चलो ऐसे बनेगा। तो यहां पे ये कहा जाएगा कि ये जो बीच वाला एरिया है ये नोडल एरिया है, इस बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। हेडिंग लिखना आप डेल्टा बॉन्ड, हेडिंग क्या लिखो आप डेल्टा बॉन्ड, लिखो भाई डेल्टा बॉन्ड। देखो डेल्टा बॉन्ड कब होता है, जब फोर लोब इन्वॉल्व होते हैं, फोर का मतलब ये 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 ये, जब चारों इन्वॉल्व होंगे तब जाके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लिखना व्हेन ऑल फोर डी लोब्स, व्हेन ऑल फोर, व्हेन ऑल फोर डी लोब्स इन्वॉल्व इन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है, देन देन बॉन्ड इज फॉर्म, देन बॉन्ड फॉर्म नेम्ड एज, नेम्ड एज डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड। अब देखो ये जेड करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये है ना, तो मान लो कि ये ऐसे एक गुब्बारा, ये ऐसे इस तरह से बैलून, ये ऐसे और ये ऐसे है ना, तो जैसी ये वैसे इसके सामने से फिर वैसे ही लाया जा रहा है। जैसे मेरे पास कुछ सिस्टम तो नहीं मैं दिखा सकता है ना, या मान के चलो ये जो बॉक्स था ना, ये समझ लो ऐसे इसका जेड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो इसी के परपेंडिकुलर सामने वाला भी ऐसे ही ला के जब मिलाया जाएगा, ये चार लोब ये और चार जो सामने से ऐसे आके जब इससे मिलेगा तो इसी को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। और जब डेल्टा बॉन्ड ये बनेगा तो चार लोब इन्वॉल्व होते हैं ना, चार लोब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तभी जाकर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और उसको अगर यहां बनाना जा देखो तो कैसे बनेगा डेल्टा बॉन्ड, ये कहा जाएगा कि अगर ये है एक्स और वाई, जब डेल्टा बॉन्ड बनेगा यहां पे तो सेम अगर स्पिन होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, सेम स्पिन होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, इसी को कहा जाता है डेल्टा बॉन्ड। इसी को क्या कहा जाता है भाई डेल्टा बॉन्ड, एक नोट लिखना, देख लो भाई ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जो डी जेड स्क्वायर होता है इसमें दो ही लोब होते हैं ना, और डेल्टा बॉन्ड तभी बनता है जब चार लोब ओवरलैपिंग करें, जैसे चार लोब है ना मान के चलो, और चार इधर से इसके सामने से जा रहा हो,
जब आमने सामने जाएगा इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्डिंग। जैसे मान चलो कि फैन, फैन की जो पंखी होती है कूलर की पंखी, मतलब एक पंखी इधर, दूसरी इधर, तीसरी चौथी इधर है, और सामने से पंखी लेके आ रहे हो, तो दोनों पंखी आमने सामने है, या जो ओवरलैपिंग होगा उसी को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। उसी क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा बॉन्ड। थोड़ा नोट करो तो,